हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कुकी विद डोरेमोन। आई एम इति अग्रवाल। सो आज का जो वीडियो है वो वनस्थली से रिलेटेड है। जब मैं वनस्थली आने वाली थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज थे यहाँ से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो वनस्थली में आना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए एक बैठ के मैं आराम से आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आपका यहीं पर क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आराम से बैठिए एंड हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है वनस्थली के एडमिशन से रिलेटेड, कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो वनस्थली का एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अगर ऑफलाइन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, अगर कोई ऑलरेडी आपके जान पहचान में कोई स्टडी कर रहा है तो आप उसको बोल दो, वो यहाँ से जाके डायरेक्टली फॉर्म लेके आके फिर आपको भेज देगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप, अगर आप यहाँ से पास में से ही हो तो आप वनस्थली आइए, आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म को परचेज करके लेके जा सकते हैं। एंड सेकेंड जो मोड है वो है ऑनलाइन, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहता है ऑनलाइन। वनस्थली की एक वेबसाइट है, वो है www.vanasthali.org। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन स्कूल मतलब स्कूल और कॉलेज में दोनों की बात कर रही हूँ, तो जो स्कूल मतलब सारा आपको वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस, सारे प्रोस्पेक्टस, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा जो कोर्स है वो कितने सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा, कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन सी फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ वनस्थली के अंदर होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो रह गई बात वनस्थली की वेबसाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है यहाँ की फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, कि क्या जो वनस्थली क्लेम करता है वो सारी फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो वनस्थली के अंदर सारी वैसे फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ है जो भी क्लेम करता है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, इसके अलावा एविएशन जो है। तो एविएशन में यहाँ पे ऐसा वाला सीन है कि उसकी एक प्रॉपर डिग्री होती है, आपको डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ में यहाँ पे रेडियो, फोटोग्राफी, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ना, मुझे किसी चीज़ का नाम याद नहीं है, बट यहाँ पे जिम भी है, वो योगा भी है, एरोबिक्स भी है, कराटे भी है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, लॉन्ग बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हर एक स्पोर्ट यहाँ पे फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है, जिसको आप यहाँ पे आके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ का यहाँ पे टाइम भी कंफर्म हो रखा है, जैसे कि आपकी क्लासेस के टाइम पे फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ग्राउंड जो है वो 5 बजे बाद खुलता है शाम को, और सुबह 6 से मतलब सुबह 6 से 8 या 9 का टाइम है ग्राउंड का, एंड उसके बाद शाम को 5 से 8 का टाइम है। सेम टाइमिंग फॉर द जिम, जिम का भी सारा सेम टाइम है। तो आई होप आपको फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ का क्वेरी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वनस्थली में मीडियम कौन सा है, यहाँ पे कौन से मीडियम की पढ़ाई होती है। तो वनस्थली के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है, आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप उस मीडियम को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेमेस्टर का पेपर या फिर पीरियोडिकल्स का पेपर, कोई सा भी पेपर आता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आता है, एंड आपके ऊपर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, आप आराम से आके कर सकते हो। जो टीचर्स है वो भी दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं समझाते टाइम, पढ़ाते टाइम। हो सकता है कि कोई टीचर इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर कर रहा हो क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन वो हिंदी में भी समझा देते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उनसे जाके मतलब अलग से पूछ सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझा दो, बिकॉज मुझे क्लास में समझ नहीं आई। तो दैट इज़ क्वाइट क्लियर। एंड इसके अलावा वनस्थली में सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो है वो है लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़। आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, आपको सारी किताबें वगैरह मिल जाएगी, आपको बुक्स भी खरीदने की जरूरत नहीं, बिकॉज लाइब्रेरी में सब कुछ अवेलेबल होता है। एक बुक की बहुत सारी कॉपीज होती है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि पूरे वनस्थली के अंदर एक ही लाइब्रेरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी अलग है। इसके अलावा स्कूल वाले सेंट्रल लाइब्रेरी में आ सकते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी तो मतलब सेंटर है वो, तो उसमें तो कोई भी आ सकता है। और इसके अलावा जैसे जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग, जैसे कि अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है तो उनके डिपार्टमेंट में उनकी लाइब्रेरी होगी, बीएड का डिपार्टमेंट है तो उसके बीएड के डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी उनके अंदर होगी, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी लाइब्रेरी होती है। तो ये तो हो गई मीडियम से रिलेटेड चीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ का नेटवर्क, कि वनस्थली का नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क अंदर जैसे मोबाइल का नेटवर्क। तो वनस्थली में मोबाइल का नेटवर्क थोड़ी सी दिक्कत देता है, मतलब आई वुड से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। आई सजेस्ट यू कि आप पहले वनस्थली आइए, यहाँ पे अपने आओ, अपना हॉस्टल अलॉट करो, बिकॉज एरिया वाइज अलग अलग नेटवर्क आते हैं। जियो और एयरटेल मेजरली चल जाता है, बट इसके अलावा बहुत सी जगह पे वोडाफोन बहुत अच्छा चलता है, तो आप उस टाइम उस केस में सिम पोर्ट करवा सकते हो। सिम पोर्ट के लिए यहाँ पे शॉप अवेलेबल है, आप यहाँ पे आराम से सिम पोर्ट करवा सकते हो, और अगर मोबाइल में कोई भी दिक्कत वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आराम से हो जाएगी। तो हो गई मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस इन द सेंस जो पेरेंट्स बाहर से हैं, थोड़े दूर से हैं, तो उनके रुकने की फैसिलिटी क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप वनस्थली के अंदर मतलब आपकी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है तो, और अब मतलब उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर उसके साथ हॉस्टल में स्टे कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द वार्डन, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको गेस्ट हाउस में स्टे करना है तो बनस्थली में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जाइए आप, उनसे वहाँ के चार्जेस होते हैं, लास्ट टाइम जब मैंने चार्जेस कंफर्म किए थे तो वहाँ पे 800 to 850 चार्जेस हैं एसी वाले रूम के, एंड जो नॉन एसी रूम होता है उसके 600-700 के आसपास के चार्ज होते हैं। चार्जेस वेरी करते हैं बहुत सी बार, बिकॉज जैसे अभी एडमिशन के टाइम पे जब आप जुलाई में आओगे तो गेस्ट हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा फिल्ड अप हो जाएंगे, तो चार्जेस थोड़े से स्पाइक अप हो जाएंगे। इसके अलावा गेस्ट हाउस को आप प्री बुक नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, उसी के बाद आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, मतलब फ़ोन से आप उसको पहले से बुक नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन अलाउड है या नहीं है बनस्थली के अंदर? तो जो स्कूल साइड है, तो स्कूल साइड के अंदर मतलब ऐसा वाला है कि 11th 12th क्लास में बात कर रही हूँ, तो 11th 12th क्लास के केस में ऐसा है कि ओपनली फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब ऑफिशियली फ़ोन अलाउड नहीं है, बट सबके पास फ़ोन होता है बिकॉज फ़ोन बहुत बेसिक नेसेसिटी में आ चुका है, तो फ़ोन जो है वो अलाउड नहीं है। आप वार्डन के सामने फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फ़ोन सीज़ कर सकती है, तो वो केस है। अगर मतलब ऐसा ना कि अगर आप फ़ोन देने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी भी कोई इशू नहीं, बिकॉज जो स्कूल साइड के जितने भी हॉस्टल्स हैं ना उनके अंदर नीचे बेसिक फ़ोन्स होते हैं जिन पे पेरेंट्स कॉल करते हैं, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो। तो अगर आप फ़ोन देने में कंफर्टेबल नहीं हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, जैसे कॉलेज में ऑफिशियली फ़ोन अलाउड है तो यहाँ पे कोई बेसिक फ़ोन मतलब उसकी फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फ़ोन अलाउड है, सबके पास फ़ोन होता है कॉलेज साइड के अंदर। स्कूल साइड के अंदर ऑफिशियली फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मतलब आप दे सकते हो, बिकॉज वार्डन तो सिर्फ काउंटिंग के टाइम पे आती है, तब काउंटिंग के टाइम को फोन को यूज़ मत करो, बाकी के टाइम यूज़ कर लो, बिकॉज फ़ोन ज़रूरी होता है घर पे बात बात करने में। अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी क्वेरी वगैरह आ रही तो फ़ोन बहुत हेल्पफुल हो जाता है उस केस के अंदर, यूट्यूब से पढ़ना है कुछ भी करना है तो फ़ोन इज़ वेरी हैंडी। नेक्स्ट इज़ द सेम एज अ लैपटॉप, लैपटॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पे अलाउड है स्कूल साइड के अंदर, कॉलेज में अलाउड नहीं है, बट यू कैन मतलब आप छुपा के रख सकते हो अनऑफिशियली, तो वो चीज़ इसके साथ हो जाती है। एंड इसी के साथ इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होते हैं वो बनस्थली के अंदर ऑफिशियली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ैन, सिर्फ एक फ़ैन है जो आप लेकर आ सकते हो अपने साथ, जो टेबल फ़ैन होता है वो आप लेकर आ सकते हो अपने साथ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फ़ैन है, कूलर वगैरह यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही कोई कैटल, इंडक्शन या फिर आयरन या फिर स्ट्रेटनर, कर्लर कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, बट अनऑफिशियली आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब आई विल नॉट प्रमोट इट ऑन दिस चैनल, बट द थिंग इज दैट आप आराम से रख सकते हो, मेरे पास खुद के पास भी है, बिकॉज आयरन जो है अगर मैं खुद कपड़े धो रही हूँ तो मुझे कपड़े पे आयरन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कॉटन और खादी पहन सकते हैं और वो धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा सलम हो जाता है, तो आई हैव टू मतलब मुझे आयरन करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मतलब कैटल वगैरह भी ऐसी है कि ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो, मतलब आप कितना सामान छुपा सकते हो ना वार्डन से, बस वो वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर आप, क्योंकि वार्डन जो है वो सिर्फ मतलब ऐसा होगा ना कि वो देखनी नहीं चाहिए आपके पास क्या है, बिकॉज ऑफिशियली अलाउड नहीं है, उसका ना चाहते हुए भी आपका सामान लेके जाना पड़ेगा, एंड वो सामान आपको जब आपके पेरेंट्स आएंगे तभी वो आपको सामान आपको दोबारा मिलेगा, तो ऑफिशियली अलाउड नहीं है बट अनऑफिशियली आप रख सकते हो क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हॉस्टल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से कपड़े मतलब क्या कपड़े अलाउड हैं, तो स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म चलती है, अगर स्कूल साइड की बात करूँ मैं, जो स्कूल साइड में होता है वहाँ पे ब्लू कलर का कुर्ता होता है खादी का, आई विल प्रीफर आप यहाँ से लो, स्कूल में व्हाइट कलर का खादी का कुर्ता भी होता है वो भी आप यहीं से लेना। इसके अलावा स्कूल के अंदर आप है ना ट्राउजर जो पैंट्स होते हैं ना वो नहीं पहन सकते, बिकॉज मतलब कुछ कुछ टीचर टोक देते हैं, स्कूल के अंदर बेसिकली ज़्यादातर सलवार अलाउड होती है, तो स्कूल में 2 दिन ब्लू यूनिफॉर्म होती है, एक दिन है ना व्हाइट यूनिफॉर्म होती है, इसके अलावा जो बाकी के 3 दिन होते हैं आप कलर्ड यूनिफॉर्म पहन, कलर्ड कुर्ता पहन सकते हो, बट वो कलर्ड कुर्ता भी कॉटन या फिर खादी का होना चाहिए, आप कॉटन आराम से यहाँ पे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती स्कूल साइड के अंदर। स्कूल साइड में लेगिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रेयर वगैरह सब कुछ होती है, तो टीचर्स वहाँ पे नोटिस करते हैं एंड फिर आपको वापस भेज देंगे। और कॉलेज के अंदर ऐसा वाला सीन होता है कि आपको ब्लू यूनिफॉर्म चाहिए 2 दिन, व्हाइट का कोई काम नहीं होता, इसके अलावा कॉलेज के अंदर पैंट्स पहन सकते हो कॉटन के या खादी के, प्लाजोज पहन सकते हो, बहुत सी बार तो लेगिंग्स भी पहन जाते हैं, जो कि टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, बिकॉज क्लास सबकी डिफर होती है यहाँ पे, कब किसी क्लास कितने बजे कौन सा टीचर ले रहा है तो टीचर पे डिपेंड करता है। स्कूल के अंदर सब कुछ पहन सकते हो, कॉटन, खादी, रेयन कुछ भी पहन सकते हो, मतलब इतना भी वो मत जाना, वो ऐसा कपड़ा भी मत लेके आना दूर से पहचान में आ जा रहा है, कोई भी टोक दे कि आपने क्या पहना हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लेना जो दूर से दिखने में लगे कि आपने कॉटन और खादी। ओके भैया जी, थैंक यू यार, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना हमेशा से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कपड़ों की, तो यही सब कुछ था। और इसके अलावा आप अपने रूम के अंदर कुछ भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स,
सैंडो वगैरह जो भी आपको पहनना है आप पहन सकते हो, क्योंकि गर्मी है तो ऑब्वियसली आप पहनोगे। लेकिन बस आप जब मैस में जा रहे हो और जब आप हॉस्टल के बाहर जा रहे हो तब आपको लोअर पहनना पड़ेगा। मतलब लोअर टी शर्ट भी ऐसे अलाउड नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि शाम को भी कुर्ता पहन के जाओ, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर वार्डन कि आपकी वार्डन क्या चाहती है। एट प्रेजेंट जो हमारी वार्डन है वो अलाउ करती है हमें बाहर जाना, मतलब शी डजंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स टू मच, तो हम लोग आराम से लोअर टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। लेकिन हाँ, अगर बनस्थली में कोई आ रहा है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं ना, तो उसके पहले ही थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और तब आपको कुर्ता ही पहन के जाना पड़ता है। जैसे आपको रोड पे हर जगह वार्डन्स वगैरह दिखेंगे और आपको दोबारा भेज देंगे कि बेटा जाओ पहले कुर्ता पहन के उसके बाहर बाहर आना, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। बट आप इजिली कम्फर्टेबली पजामा टी शर्ट पहन सकते हो, तो आप आराम से अपने कम्फर्टेबलनेस के हिसाब से कपड़े लेकर आओ, पजामा टी शर्ट शॉर्ट्स सैंडो जो भी आप पहनते हो ना आराम से लेकर आओ। तो ये तो हो गई हमारे कपड़ों की बात। तो नेक्स्ट जो चीज़ है कपड़ों से रिलेटेड वो है लॉन्ड्री सर्विस। तो लॉन्ड्री सर्विस बनस्थली के अंदर अवेलेबल है। आप अपने हॉस्टल के नीचे भैया जी या फिर जीजी कोई भी आती हैं एंड वो लॉन्ड्री होती है, आप है ना दिन के 3 कपड़े दे सकते हो, हफ्ते में 1 बेडशीट दे सकते हो। उनके जो चार्ज होते हैं वो हर सेमेस्टर मतलब हर ईयर इंक्रीज होते हैं। मतलब जब मैं 11th में थी तब मैंने 3 महीने के लिए लॉन्ड्री लगवाई थी, तब उनके चार्जेस 400 रुपीज़ पर मंथ थे, लेकिन एट प्रेजेंट 700 to 800 रुपीज़ पर मंथ हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज साइड में हो तो यहाँ पे रिसेंटली एक लॉन्ड्री का पूरा एक शॉप खुली है, यहाँ पे आप ड्राई क्लीन कुछ भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करवा सकते हो। और उनका ऐसा मतलब मैंने बोर्ड पढ़ा था तो उसमें ऐसा था कि मंथली 700 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, वही दिन के 3 कपड़े एंड आप वीक में 1 बार बेडशीट टॉवल वगैरह कुछ भी दे सकते हो उनको। तो ये एक शॉप का था और ना जो हॉस्टल के नीचे आते हैं वो भी लोग लॉन्ड्री यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको धो के भी देंगे और प्रेस भी करके देंगे, ड्राई क्लीन नहीं करके देंगे, ड्राई क्लीन आपको अलग से करवानी होगी। तो ये लॉन्ड्री की फैसिलिटी हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी आती है वो है यहाँ की मेडिकल सर्विस की फैसिलिटी। तो मेडिकल सर्विस में ऐसा है कि बनस्थली की मेन एंट्रेंस से जब आप एंटर करो, मेन गेट जब आप एंटर करोगे ना बनस्थली के अंदर, तभी आपको है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड में आरोग्य मंदिर दिखेगा, वो यहाँ का हॉस्पिटल है। उसी के पास आपको 2 मेडिकल शॉप्स दिखेंगी, तो वो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, आप यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बट इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, आप खुद वहाँ नहीं जा सकते हो और मतलब ना चक्कर आ गया या फिर बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है एंड आप नहीं जा सकते हो, और बनस्थली में जैसे कि आपको पता है रात को 8 बजे बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है, तो अगर आपको 8 बजे बाद इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है तो यहाँ पे एम्बुलेंस का फैसिलिटी होता है। आप अपने वार्डन को इन्फॉर्म कर दो कि तबीयत खराब हो रही है मुझे एम्बुलेंस चाहिए, तो वो एम्बुलेंस को कॉल कर देंगी। एम्बुलेंस के चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होंगे, जो 100 रुपीज़ दिन में होते हैं 150 रुपीज़ रात को होते हैं। तो एम्बुलेंस आपको जाएंगी एंड फॉर योर सिक्योरिटी आप है ना अपने मतलब आपकी वार्डन आपके साथ जाएंगी, एंड इन केस मतलब अगर आपको ज़्यादा वहाँ पे स्टे वगैरह कुछ करना है तो आप अपनी एक फ्रेंड को भी साथ में लेकर जा सकते हो। तो ये तो हमारी हो गई एम्बुलेंस वाली फैसिलिटीज़। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे सामने है वो है, वो अगली सर्विस है हमारी पोस्ट और पार्सल वाली। मतलब यू नो गर्ल्स है तो शॉपिंग का तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, तो आप आराम से सारी ऑनलाइन वेबसाइट से सारा सामान मंगा सकते हो, COD पे भी मंगा सकते हो और प्रीपेड भी मंगा सकते हो। बस COD का एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप यहाँ पे पार्सल मंगाओगे तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा वो पार्सल, पहले यहाँ पे कुटीर है जहाँ पे सारे पार्सल जाते हैं। तो अगर आप बिना COD मंगाते हो तो आपको कुटीर जाना पड़ेगा, वहाँ पे पार्सल आएगा, फिर आपको वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा, फिर आप अपना पार्सल वहीं छोड़ के आना। मतलब ऐसा होता है कि आपने मंगा लिया, यहाँ पे डिलीवर हो गया, आपने OTP बता दिया, वो कुटीर में डिलीवर करेंगे एंड आफ्टर 2 डेज वो आपके हॉस्टल में आएगा एंड फिर आपकी वार्डन से आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। जब आप वार्डन से कलेक्ट करोगे तो आपको सारी डिटेल्स एक रजिस्टर में फिल करनी होगी कि कहाँ से आया है, उसका पार्सल का नंबर क्या है, और इसके अलावा आपका नाम क्या है, रूम नंबर क्या है, कोड्स क्या है, इसके अलावा पार्सल में निकला क्या। मतलब पार्सल में कुछ भी निकल रहा है आपको वार्डन के सामने ओपन करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ मंगवाई है, ठीक है। इसके अलावा सेम एज यहाँ पे जो पोस्ट जो घर से आती है, तो यहाँ का जो पिन कोड है बनस्थली का वो है 304022। ये पिन कोड है यहाँ का, आप कुछ भी स्पीड पोस्ट वगैरह आराम से यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सो जो लास्ट क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बनस्थली से बाहर जाने का, कि बनस्थली से बाहर कैसे आते हैं, यानी कि यहाँ का लीव एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दोगे, तो जब आप एड्रेस दोगे तो पूरी एक बुकलेट होती है जिसमें लीव पेपर होते हैं कुछ इस तरीके से, तो लीव पेपर आपके घर पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। एंड स्कूल में तो ऐसा होता है कि आप अकेले जा ही नहीं सकते हो, तो जब भी आपके पेरेंट्स आएंगे तो लीव पेपर साथ में लेकर आएंगे, और इनकेस अगर आप किसी के साथ जा रहे हो अपनी बड़ी बहन के साथ तो आपको वो पोस्ट से मंगवाना पड़ता है। कॉलेज में आप अकेले जा सकते हो, तो आपको पोस्ट के थ्रू ये मिलेगा। जो मैंने पिन कोड बताया बनस्थली का वो है 304022 पिन कोड है बनस्थली का, तो आप मंगा लोगे। हर एक लीव एप्लीकेशन पर ऐसे सीरियल नंबर होता है जो कि कंप्यूटर में चेक होता है कि ये एप्लीकेशन आप ही की है, कहीं आप किसी और की एप्लीकेशन तो यूज़ नहीं कर रहे, पुरानी एप्लीकेशन तो यूज़ नहीं कर रहे, तो ये सीरियल नंबर चेक होता है।
सारी डिटेल्स लिखी हुई है इसके अंदर, नाम पता रीज़न क्या है छुट्टी का, कब से कब तक जाना है, अकेले जाना है, अगर किसी के साथ जा रहे हो तो उनकी डिटेल। इसके अलावा एट द एंड आपके जो गार्जियन है उनके सिग्नेचर है, उनका एड्रेस सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जब पोस्ट से आपको मिलेगी तो यहाँ पे वार्डन के साइन होंगे, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि डाक द्वारा प्राप्त यानी कि पोस्ट के थ्रू ये मिली है, दैट मीन्स कि आपके पेरेंट्स ने भेजी है, ठीक है। अगर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, अगर लीव एप्लीकेशन पलटोगे तो यहाँ पे अगला प्रोसेस दे रखा है, उस पर लिखा हुआ है कार्यालय रिपोर्ट यानी कि ऑफिस की रिपोर्ट। ऑफिस में आप जाओगे, छुट्टी के सिग्नेचर वेरीफाई करवाओगे, आपकी छुट्टी चेक करवाओगे कि आपकी छुट्टी है नहीं है जाने के लिए। यहाँ पे सेमेस्टर की 21 छुट्टी मिलती है, 21 दिन के लिए आप बाहर जा सकते हो, तो वो चेक होगा। इसके अलावा ऑफिस से वेरीफाई होगा कि हाँ सब कुछ सही है, तो यहाँ पे डेट साइन और यहाँ पे डेट हो रखे हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज में जा रहे हो तो आपको HOD के साइन चाहिए होते हैं, बट अगर आप दिवाली पर और समर वेकेशन में जा रहे हो तब HOD के साइन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं करवा रखे हैं एट प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिकमेंडेशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स यहाँ पे आपके वापस से दोबारा वार्डन के साइन होंगे कि सारा प्रोसेस हो चुका है, वार्डन ने चेक कर लिया है। इसके अलावा फिर वार्डन यहाँ पे साइन करके देगी। एंड द लास्ट प्रोसेस है वो है दोबारा से ऑफिस के अंदर, जिसके थ्रू आपको गेट पास मिलेगा। सारी डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपके साइन वगैरह होगी। ये वाला जो लीव पेपर है वो ऑफिस वाले रख लेंगे। तो अगर आपकी वार्डन आपको बोलती है ना कि ना इसका मुझे जेरोक्स चाहिए, बिकॉज वार्डन बहुत सी बार रिकॉर्ड रखती है, जैसे हमारी जो वार्डन है वो रिकॉर्ड रखती है, तो जब हमने यहाँ पे वार्डन के साइन करवा लिए ना, उसके बाद मैंने इसका जेरोक्स निकलवा लिया, क्योंकि अगले स्टेप में तो पेपर मेरे पास रहेगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें लास्ट स्टेप के भी साइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हो गया। इसके बाद जब मैं ऑफिस में जाऊँगी तो मुझे गेट पास मिलेगा। वो गेट पास कुछ इस तरीके से दिखता है, जिस पे सील वगैरह प्रॉपर लगी हुई होती है। दो स्लिप है इसके अंदर भी, जैसा आप देख सकते हो। एक स्लिप जो है वो है छात्रावास वाली, जो कि हॉस्टल में मुझे वार्डन को आके सबमिट करनी है। एंड नेक्स्ट जो स्लिप है वो है मेन गेट वाली, मुख्य द्वार वाली, जो जब मैं बनस से जाऊँगी तो मैं गेट पे इसको दिखाऊंगी, तभी मुझे बनस लेके बाहर जाने को मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ये पूरा छुट्टी का प्रोसेस था। एंड इसी के साथ हमारी समर वेकेशंस लगने वाली हैं। बहुत से लोगों की लग भी चुकी है, 29 स्टार्ट हो चुकी थी एंड 6 तारीख को सब लोग चले जाएंगे। मैं 5 तारीख को जा रही हूँ एंड आज 1 तारीख हो चुकी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ आज की वीडियो को बंद करते हैं, इसी एक्साइटमेंट के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड लाइक करना, कमेंट करना, जस्ट टेल मी, बिकॉज जब आप कमेंट करते हो तो इट गिव्स मी द मोटिवेशन कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊं। तो आप फटाफट से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि घर में शादी है मेरे एंड भैया की शादी है मेरे, तो उनके सारे ब्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं। एंड वनस्ली से जाएंगे तो जो बेसिक एसेंशियल्स जो वनस्ली के लिए चाहिए, नेक्स्ट वीडियो उसका होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। सी यू, टाटा बाय।